भारत में चारों दिशाओं में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग सृष्टि में शिव के दिव्य अवतरण और शक्तियों के साथ पुनर्मिलन का यादगार स्थान है। पूरी मानवता को ईश्वरीय ज्ञान, योग, मानवीय मूल्यों और दैवी गुणों से सशक्त व सुसंस्कृत करने का स्मृति पीठ है। यह पर्व न केवल उपासकों को अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अभिमान आदि मनोविकारों से रोकता है। कमी कमजोरियों को त्यागने का पावन अवसर है शिवरात्रि। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्था के सेवा केंद्रों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की सुंदर झांकियां लगी तो कहीं शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए देश भर में शिवरात्रि की धूम। परमात्मा ने आके शिव ने क्या किया, कलयुग की रात्रि को सतयुग सवेरे में परिवर्तन किया। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी वो सेंटर है, वो विद्यालय है, वो विश्वविद्यालय है जो ईश्वर का और इंसान का दोनों का मेल करवाते हैं। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा किंतु बड़ा ना सुख पलिए ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के खेल खिलौने मंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फैल रहा है, जब चारों तरफ गहन अंधकार है। अंधकार किस चीज का? विषय विकारों का, अज्ञानता का। इस अंधकार को वो दूर करने आए और वो देते हैं ज्ञान का प्रकाश कि तुम्हारे अंदर ये बातें कब से आई, तुम कैसे अपने आप को भूले हो, ये सारी बातें वो समझाते हैं। आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। भाग्य बनाने अज्ञान के अंधियारी रात में परमात्मा पिता का अवतरण होता है, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने शिव पिता। हमारा सबसे बड़ा संकट ये कि ईश्वर हमने हमें इतना कुछ देके भेजा है,
और हम 90 साल जिए चाहे 100 साल जिए, हम उसमें से जो हमें मस्तिष्क हमें ईश्वर दे के भेजता है, जो क्षमताएं दे के भेजता है, हम उसका 1% भी नहीं खर्च कर पाए। पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं, सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में, शिव पिता का झंडा। शिवरात्रि के प्रसंग में अज्ञानता को रात्रि से दर्शाया गया है। अपने समाज को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने देश को सदा सुरक्षित रखेंगे, सदा सुरक्षित रखेंगे। शांति की शक्ति को धारण करते हुए हम शांति दूत बनेंगे। फिर है आई हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती फिर है आई हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई, शिव जयंती फिर है हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई हर ज्योति जिसने जगाई। अब कुछ खबरें एक नजर में। महाराष्ट्र के भिवंडी में निशुल्क नेत्र चिकित्सा व मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, भिवंडी सेवा केंद्र, लायंस क्लब ऑफ जुहू एवं वसई अंध दुख निवारक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन। करीब 400 नागरिकों ने कराया फ्री चेकअप। बीके बहनों ने सभी नागरिकों का आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा बढ़ाया बल। ग्वालियर नगर निगम ने लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, बीके प्रहलाद, बीके डॉक्टर गुरुचरण को बनाया स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत किया गया सम्मानित। बीके आदर्श ने तन और मन की स्वच्छता से कराया लोगों को अवगत। ग्वालियर सिटी सेंटर पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर पर कार्यक्रम। कार्यक्रम में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विजय कुमार समेत कई दिग्गज उपस्थित। गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके ज्योति, बीके चेतना ने सभी को कराया संस्था की गतिविधियों से अवगत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में संत सम्मेलन, किसानों का सम्मान एवं महिला सम्मेलन का आयोजन, सैकड़ों लोगों ने लिया कार्यक्रम का लाभ। बीके सरोज, बीके करुणा समेत कई दिग्गज उपस्थित। छतरपुर के लवकुश नगर में स्वर्णिम भारत में मीडिया की भूमिका विषय पर स्नेह मिलन। छतरपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शैलजा ने मीडिया की भूमिका पर डाला प्रकाश। कार्यक्रम में कई मीडिया पत्रकार रहे उपस्थित। गुजरात के मारोली गाँव में नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का किया आयोजन। तालुका पंचायत सभ्य की हेमलता, दूध मंडली प्रमुख अमरीश मेहता समेत कई विशिष्ट लोगों ने सुना आध्यात्मिक ज्ञान।
बीके मुकेश ने चित्रों के माध्यम से परमात्मा का परिचय एवं राजयोग मेडिटेशन की दी जानकारी। प्रदर्शनी समझाने के लिए बीके भाई बहनों ने गाइड के रूप में दी सेवाएं। वही नवसारी सेवा केंद्र पर गुजरात जोन द्वारा चलाए जा रहे दिव्यता संपन्न वर्ष के अंतर्गत योग तपस्या का कार्यक्रम। बीके गीता ने सिखाया घर गृहस्थ में कैसे खुशी खुशी करें समस्याओं का सामना। ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने लिया कार्यक्रम में भाग। दिल्ली के ओम विहार सेवा केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव एवं शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। शिव ध्वजारोहण कर सेलिब्रेट किया पर्व। बीके उर्मिला ने बताया शिव जयंती पर्व का रहस्य। बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सिंगिंग ड्राइंग एंड पोएम कंपटीशन का भी किया गया आयोजन। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। ऐसे ही दिल्ली करोल बाग के पांडव भवन में खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम। ध्यानचंद अवार्डी राजकुमार, पैरा स्पोर्ट्स के जॉइंट सेक्रेटरी बीके ज्योति, बीके पुष्पा समेत कई दिग्गज मंच पर उपस्थित। कार्यक्रम में बीके पुष्पा ने सशक्त मन से खेलेंगे तो जीतेंगे जरूर का दिया मंत्र। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन सेशन। फिल द लाइफ कैनवास विद पॉजिटिविटी विषय पर सेशन का आयोजन। सेशन में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल अद्वैत गणनायक, परिधि आर्ट ग्रुप के निर्मल वैद, स्पिरिचुअल मोटिवेटर प्रमोद दुबे समेत जुड़े कई दिग्गज। सेशन में प्रभारी बीके उर्मिल, बीके सुदेश ने कहा राजयोग मेडिटेशन से लाए जीवन में पॉजिटिविटी। गुजरात के राजकोट सेंटर द्वारा लगाई गई नशा एवं व्यसन मुक्त एग्जीबिशन। सुरक्षा सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस एसोसिएशन में आयोजित प्रदर्शनी। बीके सदस्यों ने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हुए व्यसनों को सदा त्यागने का कराया संकल्प। मध्य प्रदेश रतलाम के बांसवाड़ा के इंडिया सीमेंट लिमिटेड कंपनी में स्व प्रबंधन कला एवं सुखद एवं सुरक्षित जीवन विषय पर कार्यक्रम। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनिता ने लोगों को किया राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए प्रेरित। प्लांट हेड यतेंद्र शाह ने की संस्था के कार्यों की सराहना। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।